ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो आज की जो बातचीत है वो मेजरली है कनाडा 5.5 इन वन मॉड्यूल, क्या इनके ऊपर वीज़ाज हैं। कहीं कहीं कोई कोई यूट्यूब पे डाल रहा है, कोई फेसबुक पे भी डाल रहा है, तो रियलिटी क्या है, क्या इसमें वीज़ाज हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई वीज़ास नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को नोट करें। अगर आपके बार बार कोशिश करने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा तो उसकी जगह आप पीटी करने की कोशिश कर सकते हैं। पीटी में एक अच्छा स्कोर अबव 54 लेकर चलेंगे तो यू कुड एक्सपेक्ट गुड सक्सेस रेट। बट अगर आप एक 5.5 में लगाते हैं तो देर इज़ 100% रिफ्यूज़ल ऑन इट। ऐसे केसेस में ज़्यादातर बच्चों को गलत गाइड किया जा रहा है, पैकेजेस के नाम पे उनसे पैसा लिया जा रहा है और रिजल्ट में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आई एडवाइज ऑल दो स्टूडेंट्स कि अगर आपका ऐसी सिचुएशन है, पीटी करें, नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया एलिजिबल हैं, रीसेंट पास आउट हैं, वो भी एक ऑप्शन है। नहीं है तो यूके एक ऑप्शन है, इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन है, बट अपना पैसा और समय दोनों वन मॉड्यूल 5.5 के साथ ख़राब ना करें। इसका रिटर्न आपको किसी तरह से नहीं होगा। कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे चल रहा है इस समय और बहुत अच्छे सक्सेस रेट पे भी चल रहा है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी ये है कि उसको प्रोफाइल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उन्हें प्रोफाइल अच्छा चाहिए जिस पे वो वीज़ास आपको इशू कर सकें। सो अपने प्रोफाइल्स को उस लेवल तक ले जाएं, सिक्स ईच बनाएं और निश्चिंत और बेफिक्र होकर कनाडा का वीज़ा हासिल करें। आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और आज इवनिंग मैं इस पे लाइव करूंगा 7:30 बजे, जिसमें आप अपने प्रोफाइल्स को लेके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर कर सकते हैं। और प्लस हमारे नेक्स्ट आने वाले इवेंट्स वीज़ा कॉन्क्लेव के हैं, जिसमें मैं आने वाले दिनों में पटियाला, मोहाली, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन सब जगहों पे आपसे मिलूंगा। सो अपनी अपॉइंटमेंट्स आप टीम के साथ बना सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको एवरीडे मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें। सो यूके में आज की डेट में अगर हम बात करें, और आज की खास बातचीत करूँगा मैं पंजाब और हरियाणा स्टूडेंट्स को लेकर। और पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स मतलब जो पंजाब बोर्ड से 10+2 हैं और जो हरियाणा बोर्ड से 10+2 हैं। ये स्टूडेंट्स जब MOI पे ऑप्शन ढूंढते हैं, विदाउट आईलेट्स ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो इनके लिए आज की डेट में कोई भी ऑप्शन यूके में नहीं है, क्योंकि 15 यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट पंजाब हरियाणा स्टूडेंट को लेना बंद कर चुकी हैं और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बिना आईएलटीएस या बिना पीटी के या बिना डुलिंगो के लेना बंद कर चुकी हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा स्टूडेंट पास आउट 10+2 एज़ फार वो रीसेंट ग्रेजुएट नहीं है तो उसको आईएलटीएस पीटी करना ही होगा या डुलिंगो करना होगा, वो विदाउट आईएलटीएस ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट घर पे इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बिना वजह ऑफिस ना आए, इससे आपको भी परेशानी होगी और किसी और के ऑफिस भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू योर आईएलटीएस। विदाउट आईएलटीएस जब हम यूके जाने की बात करते हैं तो उसके अंदर वेवर कैसे होते हैं। वेवर होता है जो पहले होता था कि अगर आप पंजाब हरियाणा या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 10+2 हैं, आपके 80% मार्क्स हैं तो आपको आईएलटीएस करने का ज़रूरत नहीं है। बट इसमें बाकी स्टेट्स के लिए तो ऑप्शंस हैं, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, जम्मू के लिए, बट पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है। इसी तरह से आप जो आपके पास वेवर है वो बचा है CBSE स्टूडेंट्स के पास, जिनके इंग्लिश में 70% हैं, वो विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। या अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन हुई है और रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है तो भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए चैलेंज होगा। सो इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आईएलटीएस स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको चाहिए
6 ओवरऑल 5.5। अगर आप वो स्कोर नहीं बना पाते हैं तो उसके बाद आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, आप यूके वी आई आयल्स कर लो। यूके वी आई आयल्स बहुत बच्चों के लिए सोल्यूशन है, इसमें आपको बहुत बड़ा स्कोर नहीं चाहिए होता है, हार्डली 5 बैंड आपके ओवरऑल और ईच आ जाएं, ओवरऑल 5.5 आ जाएं, तो इसमें ही आपको कई ऑप्शंस क्रिएट हो जाती हैं। फ्यूचर में भी आपको अपडेटेड रखने की लगातार कोशिश रहेगी, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप रोज़ अपडेट्स रिसीव करते रहें। और आज इस चैनल पे लाइव होगा 7:30 बजे, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप उस लाइव में अपने क्वेश्चन और डाउट्स को दूर कर सकें। इसके अलावा हमारे वीज़ा कॉन्क्लेव के इवेंट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको मिलूँगा मोगा, पटियाला, मोहाली, अम्बाला और करनाल ऑफिस एंड सो ऑन। आगे सो आगे भी मिलते रहेंगे, अपडेटेड रखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको आयल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।